जब मेरी आपकी पिछली बार बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि आप जो है गठबंधन करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन नहीं हुआ तो कहा कि चलो पार्टी मिला देते हैं आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि आप चाहते हैं गठबंधन करें, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, लोग कह रहे मैं हैं एक तो बात मिला दिया बता दूं, पार्टी। मैं हमेशा गठबंधन के पक्ष में रहा, लेकिन जब कांग्रेस लीडर ने निर्णय ले लिया और उनका विनय सिंह और उनका विश्वास मेरे प्रति जब बढ़ा, तो उसके बाद गठबंधन का क्या मतलब रह जाता है? विश्वास से बड़ा तो दुनिया में कोई रिश्ता है नहीं ना। व्यक्तिगत रिश्ते से ज्यादा विचारों का रिश्ता है, वो है, रहेगा। कल लालू जी से आप मुलाकात की, आपने मिले हैं। आज खबर आई है कि अशोक महतो ने शादी कर ली है और लालू यादव उनको अब उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना अच्छी चाहते बात हैं। है, बिल्कुल। लालू यादव जी का निर्णय जो है, जो एक पिछड़ों को उठाने का, वो हमेशा रहा, बचपन से रहा। अशोक महतो को चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से, जो जेल की लंबी सजा काट के बाहर मैं निकले हैं? अशोक महतो तो लड़ नहीं रहे ना, उनकी पत्नी चुनाव बात तो लड़ी। वही है ना। नहीं, मैं मुझे लगता है कि आप उठा करके देखिएगा तो पता चलेगा, कि आप बीजेपी या अन्य पार्टी को भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो राजनीति। उनको आप छोड़िए, आपके हिसाब से ठीक है ये? और देखिए, यदि मुझसे आप पूछेंगे तो अब तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। अब राजनीति में जब बीजेपी देश के सारे भ्रष्टाचारी और सबको कुनबा को जमा कर करके गाली देकर, कभी रामविलास जी के पार्टी तोड़ो, चिराग जी को गढ़ियाओं, कभी सहनी के पार्टी प्रजापति, कभी आम पटेल जो थे, हार्दिक पटेल, उतना गाली के बाद उसको लो, प्रजापति ने इतना गाली दिया उसको लो, मंत्री बनाओ, संजय निषाद को लेकर के मंत्री बनाओ, तो या पटेल को लेके बनाओ। तो जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए सारे कुकर्म कर सकती है और हर तरह के नफरत पैदा करने वाले और समाज में हिंदू मुसलमान करके काटकूट करने वाले को टिकट दे सकती है, तो लालू यादव जी ने यदि किसी जातीय गोलबंदी जो गर के खिलाफ जो लड़ रहे थे और उसमें वो जेल चले गए, ऐसे लोगों को टिकट दिया, तो मुझे लगता है कि जो उनको लगा समय की जो पुकार है उन्होंने किया। चल, लालू जी के एक और दोस्त हुआ करते थे नीतीश कुमार, बार बार इधर उधर होते जा रहे हैं, उनको लेकर कुछ कहेंगे आप? कौन? नीतीश कुमार? कोई बिहार के नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री? व्यक्तिगत, मैं उनको सम्मान करता हूँ। देखिए, राजनीति में कोई विचारधारा तो बची नहीं है, तो इधर उधर होते रहना ठीक बात है? मैं तो उचित नहीं समझता हूँ, और कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, सबकी मजबूरियाँ रहती है, सबको बहुत लंबा कुछ तो बेवफा मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं होता, अच्छा। तो कुछ तो होंगे और इनका अपना तरीका होगा, लेकिन ये सही नहीं, इतना ज़्यादा इधर से उधर करना सही नहीं।